हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका वेलकम कर रहे हैं एक न्यू कोर्स के साथ। और ये न्यू कोर्स है फर्स्ट स्टेप टू बॉटनी। ठीक है, फर्स्ट स्टेप टू बॉटनी एक नॉर्मल बच्चे के लिए ये होता है कि यार मैं बेबी स्टेप ले रहा हूँ बायो में, तो मुझे इस कोर्स की रिक्वायरमेंट क्या है और मैं किस तरह से इस कोर्स के साथ कनेक्ट हो सकता हूँ और ये कोर्स किस तरह से मेरे लिए बेनिफिशियल होता है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए इस कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। सबसे पहले कोर्स की जो है रिक्वायरमेंट किसको है, जो क्लास 9 का स्टूडेंट है उसको इसकी रिक्वायरमेंट है। 10th वाला भी इसको परचेज कर सकता है, क्लास 11th वाला स्टूडेंट भी इसके साथ कनेक्ट होता है, 12th प्लस 12th पास आउट। जबकि फर्स्ट स्टेप नॉर्मली बच्चा 9th और 10th और 11th वाला लेता है। दूसरी बात, जब मैं केमिस्ट्री बॉटनी और केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स की बात करता हूँ, अगर एक बंदा केमिस्ट्री की फर्स्ट स्टेप ले रहा है तो उसमें वो ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉब्लम्स उनके साथ की फर्स्ट स्टेप, केमिकल बॉन्डिंग उसमें किस तरह से बॉन्डिंग वगैरह होता है, किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन होता है, प्रोडक्ट टेबल उसकी बेसिक्स, इन चीज़ों को वो सोचता है। लेकिन जब वो बायो की सोचता है तो सोचता है यार बायो में इतना तो मैं जानता हूँ, सर मुझे क्या देंगे भाई, कोर्स बेनिफिशियल तो होना चाहिए ना, हम उसके साथ कनेक्ट तो होना चाहिए। जब बच्चे फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंपेरिजन में बायो का नंबर आता है तो सोचता है यार मेरी एक स्टेप तो ऑलरेडी है सही, अब एमएक्यू सर मुझे क्या प्रोवाइड कराएंगे। बात तो नॉर्मल है कि एमएक्यू सर क्या प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि मेरी इतनी स्टेप तो है बायो में, मुझे इतना तो लगता है, हाँ यार मुझे बायो तो आती है, इतनी तो आती है बायो यार। मैंने इस बात को स्पेशल ध्यान रखा है कि बच्चों में ये चीज़ होती है, गट फीलिंग होती है, और ये बुराई नहीं है, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है बच्चों में, इतना कॉन्फिडेंस होता है कि यार बायो में इतना तो जानता हूँ मैं। और मैंने उसी लेवल से स्टार्ट करने की कोशिश की है ना, एक फर्स्ट स्टेप केमिस्ट्री, एक फर्स्ट स्टेप फिजिक्स की जो होती है वैसे स्टार्ट करने की कोशिश नहीं की, एक लेवल पर जाकर ही फर्स्ट स्टेप देने की कोशिश की, ताकि मेरे बच्चों को ऐसा लगे कि हाँ यार ये फर्स्ट स्टेप बड़ी बेनिफिशियल है और इसके साथ मैं कनेक्ट हो सकता हूँ। ठीक है, और ये सारी हवा हवाई बातें नहीं है, सारी ऐसी बातें हैं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को देने की कोशिश करी है ना। 16 to 17 ईयर्स मुझे पढ़ाते हुए हो गए है ना, अलग अलग बैचेस हमने लिए हैं, बच्चों की प्रॉब्लम्स के साथ कनेक्ट हुए हैं, उन प्रॉब्लम्स को ध्यान रखते हुए इसको लिया है। अब कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो बच्चे हमसे पूछते हैं, कई बार मेरे पास फ़ोन आते हैं या यूट्यूब पर या कहीं पर ही मुझसे वो कनेक्ट होते हैं, बोलते हैं सर मैं 9th क्लास का स्टूडेंट हूँ, क्या मैं अभी से ही नीट की तैयारी करना चाहता हूँ, तो मैं क्या आपका वो कोर्स परचेस करूँ है ना, वो मेरे लिए क्या बेनिफिशियल रहेगा। तो बिल्कुल मैं उसको यस बोलता हूँ, लेकिन एक बच्चे के अंदर जो 9th का स्टैंडर्ड है उसको एक इतना हैवी कोर्स अगर आप दे देते हो तो वो क्या उसको तैयार कर सकता है, एक माइंड का लेवल भी तो होता है। तो एक लेवल के लिए कोर्स जरूरी बच्चे के लिए, कि वो अगर 9th से ही इस कोर्स को परचेज करके 2-3 बार इसकी रिवाइजेशन करता है, इसके साथ कनेक्ट हो जाता है और इसकी 2-3 बार रिविज़न करता है ना, तो 2-3 बार रिविज़न करेगा इसके साथ कनेक्ट होकर, तो क्या होगा, ऑब्वियसली उसका जो नीट का सिलेबस है प्रेजेंट टाइम का वो सिलेबस कवर हो जाएगा। एक बच्चा 10th पास आउट है, 11th में आया है और 11th में वो कम से कम टाइम पर 11th और 12th की बायोलॉजी को जानना चाहता है, 11th और 12th की बायोलॉजी को जानना चाहता है, वो कम से कम टाइम पर इस बायोलॉजी के साथ कनेक्ट हो जाएगा फर्स्ट स्टेप टू बॉटनी। और इसके बाद मैं आपको दूंगा फर्स्ट स्टेप टू जूलॉजी, जो नेक्स्ट कोर्स जल्दी से जल्दी आप लोगों के सामने आ जाएगा। ठीक है, अगली बात, अब आपके साथ एक बात और आती है कि यार मैं तो सर 12th पास आउट हूँ, ठीक है, और मुझे ये प्रॉब्लम है, मैंने कुछ कुछ कमियां छोड़ दी मेरी 11th और 12th की स्टडी में, उन कमियों को मैं दूर कैसे करूं, फर्स्ट स्टेप टू बॉटनी, फर्स्ट स्टेप टू बायोलॉजी जूलॉजी। इस तरह से आपको क्लास 12th पास आउट के लिए भी अच्छे से अच्छे तैयारी हो जाता है। अब आप आइए नीट के सिलेबस में चेंज जो होता है, जो स्टूडेंट एग्जाम का पैटर्न उसमें चेंज हो गया है, किसी कोचिंग पर आप जाएंगे तो कोचिंग का टाइम कितना हो जाएगा, लंबा टाइम लेगा, अब 2 times एग्जाम हो रहे हैं है ना, अलग अलग फैकल्टीज हैं, एक फैकल्टीज वो चैप्टर लेती है, एक फैकल्टीज वो चैप्टर ले रही है, इस तरह से एक लंबे टाइम पीरियड में कोर्स हो रहा है ना। फिर भी तो एक बच्चे को अपना कोर्स चाहिए, टाइम पर चाहिए, उसके लिए फर्स्ट स्टेप बहुत आसान है, उसने स्टडी कर रखी है, वो फर्स्ट स्टेप ले लेता है मेरी बॉटनी और जूलॉजी की, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा उसके लिए स्पेशली हेल्प मिलेगी इससे, और वो ईजी गोइंग में अपने आप को इसके लिए तैयार कर सकेगा। लास्ट कैटेगरी उस स्टूडेंट्स की है, ठीक है, जो ये चाहता है कि यार उसने एकदम पूरी पढ़ाई में काफ़ी लंबा ब्लैंक हो गया है और एग्ज़ाम नियरेस्ट आ चुके हैं,
कहते हैं ना लास्ट में बिल्कुल फाइनल जो हथौड़ा मारना होता है वो वाली कंडीशन। अभी हथौड़ा पास दो लोग हैं, एक तो बिल्कुल ब्लैंक है ना, जिनको एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है और अपनी तैयारी करनी है, और एक वो लोग हैं जो अपनी प्रिपरेशन कर चुके हैं पूरी कंप्लीट, उनको एक छोटा सा बूस्टअप और चाहिए। ये दोनों लोगों के लिए बहुत, देखिए मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ, 1 मंथ का टाइम पीरियड, 1 मंथ के टाइम पीरियड में है ना, अरे आराम से इस कोर्स को आप देखते हैं, फास्ट नहीं चल रहे हैं, बड़े आराम से इस कोर्स को स्टडी कर रहे हैं, तो आप कंप्लीट बायोलॉजी फर्स्ट स्टेप के सहारे कंप्लीट कर सकते हैं। और मैंने पूरी कोशिश की है कि ऐसी बायोलॉजी प्रोवाइड करा दूँ जो कंसेप्चुअल है, बच्चों को समझ में आ जाए। ठीक है, कई बायो में नंबर्स और डाटाज आते हैं, वो भी उसको भी मैंने कंसिडर करने की कोशिश की है, वरना उनके बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए। तो इस तरह की ये उन बच्चों के लिए कनेक्ट होने वाली बात हो गई कि ये कोर्स कैसे उनके लिए बेनिफिशियल है, अलग अलग स्टेप्स में, 9th to 10th, 10th to 11th 12th, या 10th to 11th, 11th to 12th, 12th पास आउट। ठीक है, आप बूस्टर ऑफ 1 मंथ, हर हर लेवल पे आपके लिए कोर्स बेनिफिशियल होगा। ठीक है ना, अगली बात देखिए, मैं कई बार बच्चों से बोलता हूँ, मैं देसी टीचर हूँ, मैं बच्चों की प्रॉब्लम को समझता हूँ। ठीक है ना, मैं कोई हाई फाई बहुत हर टीचर्स नहीं हूँ कि जिसमें आपको बहुत हाई फाई क्लासेस में मिले, BMW वाला नहीं हूँ मैं सिंपल सा बच्चों के साथ कनेक्ट होने वाला टीचर हूँ। 16 ईयर्स से ले रहा हूँ बच्चों की प्रॉब्लम्स, जानता हूँ कि बच्चा किस किस लेवल पे होता है, एक छोटे से लेवल का बच्चा और बड़े से लेवल का बच्चा, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है यार। तो साइकोलॉजिकली मैं बच्चों के साथ कनेक्ट होता हूँ, और मैंने पूरी कोर्स की है अपने अकॉर्डिंग, नीट सिलेबस के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट ऑफ फर्स्ट स्टेप टू बॉटनी और जूलॉजी और बायोलॉजी के अकॉर्डिंग इस कोर्स को मैंने डिज़ाइन किया है। एक लास्ट और बिल्कुल सिंपल सी बात कि इस कोर्स को आप लोग अगर कनेक्ट होते हैं इसके साथ, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कोर्स के साथ आप कनेक्ट होकर नीट में है ना सक्सेस हो, और जब सक्सेस होंगे अपनी फर्स्ट स्टेप अच्छी कर लेंगे, स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, और अगर आप सक्सेस होंगे तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी। बेस्ट विशेज के साथ, ठीक है, गुड डे एंड गुड बाय।